हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है। बोला गया हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। चाहे यहाँ पे डिविजिबल वर्ड यूज़ कर ले चाहे मल्टीपल यूज़ कर ले, दोनों का मतलब एक ही है। हमें दो डिजिट के ऐसे नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो सके। तो देखो, दो डिजिट के जो नंबर होते हैं वो शुरुआत होती है 10 से। 10, 11, 12 कंटिन्यू चलते रहते हैं, और इसका आखिरी का सबसे बड़ा नंबर होता है 99। इसके बाद में 3 डिजिट के शुरू हो जाते हैं और 10 से पहले 1 डिजिट के नंबर होते हैं। हमें चाहिए वो नंबर जिसमें 7 का डिवाइड चला जाए। ठीक है, तो 7 का डिवाइड जाने के लिए हमारे पास दो नंबर है, पहला 10, दूसरा 99। इन दोनों में डिवाइड देना है 7 का, 10 में भी और 99 में भी। याद रखना, हम 10 से पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते हैं। तो डिवाइड देंगे तो नंबर बढ़ा के देना है, कम करके नहीं देना। तो 7 1 7 नहीं लेना, 7 2 14 लेना है। अगर इसमें चार नंबर और होते तो मेरा पूरा डिवाइड चला जाता। तो 10 में मैंने +4 कर दिया, कितना है 40। अगला नंबर 21, अगला नंबर 28, क्योंकि 7 का डिविजिबल है तो 7 का गैप चलेगा। पहला नंबर फाइंड कर लो, बाकी में 7 7 नंबर बढ़ा दो। तो शुरुआत के नंबर मिल गया, अब आखिरी का नंबर कैसे ढूंढे। 7 का डिवाइड दिया, 7 1 7 2 उतारा 9, 7 4 28। याद रखना, इसमें हम नंबर कम करके ले सकते हैं, ऊपर नहीं ले सकते। इसमें हम बढ़ा कर ले सकते हैं, इसमें कम करके लेंगे, क्योंकि हमें लिमिट बता दी कि 2 डिजिट तक नंबर ही लेने हैं। तो एक जो आ रहा वो मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा, तो मैंने एक कम कर दिया, यानी कि 98 ले लिया। इसमें 7 का पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो 2 डिजिट के नंबर आ गए। अब इन्हें बताने कितने नंबर हैं ये टोटल, जैसे कि ये 1 2 3। तो इस तरीके से ये नंबर कौन सी पोजीशन पे है, ये 14 हुआ, डी मेरा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 7, ए एन टर्म दे रखी 98। तो ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ए एन की वैल्यू 98, ए की वैल्यू 14, एन तो हमें फाइंड करना है कितनी टर्म है, डी कितना है 7, प्लस का 14, इधर एक स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इंटू में 7। अब 19 में से माइनस किया तो 4 और 884 आया, मल्टीप्लाई में 7 है, डिवाइड में आ गया कितना आया 12, माइनस का 1 है, इधर एक इसको आ जाएगा प्लस का, दोनों को जोड़ा 13। यानी कुल मिला के ऐसी 13 टर्म है जो 7 से डिविजिबल हो सकती है और 2 डिजिट के नंबर में होगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ 13 टू डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 121 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। बोला क्या, फाइंड NAP, एक AP फाइंड करो हुज, जिसकी चौथी टर्म 4 है, एंड द सम ऑफ इस सिक्स्थ एंड 13th टर्म इज 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्म के बारे में गिवन है, तो फॉर्मूला यूज होगा a प्लस एन माइनस एक इंटू डी का। हमारे पास गिवन है कि फोर्थ टर्म कितनी है, 9 है। ठीक, और सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म प्लस में 13th टर्म, इनका जो सम दे रखा वो हमें दे रखा 40। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर n की जगह दे रखा मुझे 4, तो मैंने a का a लिखा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 9, प्लस का 3d, इधर एक इसको आ जाएगा माइनस का, इसे नंबर मैंने 1 मान लिया। a6 को क्या लिखेंगे, a प्लस में देखो 6 यहाँ रखा है n की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे n की जगह मुझे 6 दे रखा है, 6 माइनस 1 5d, इसको लिखा a प्लस में 12d इज इक्वल टू 40। a और a 2a, 5 और 12 17d इज इक्वल टू 40। फिर मैंने लिखा यूजिंग 1 2, a की वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पे 9 माइनस में 3d प्लस में 17d इज इक्वल टू 40। बीच में निशानी मल्टीप्लाइड, 9 2 18, 3 2 6d प्लस 17d इज इक्वल टू 40। अब देखो, 17 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 11d, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का, ये भी प्लस का, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, 40 माइनस में 18 11d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22। मल्टीप्लाई में है मेरा ad 11, डिवाइड में आ जाएगा तो d की वैल्यू मेरी आ गई 2। ठीक है, अब d की वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे, 14 1 a इज इक्वल टू 9 3
डी जगह रखा दो मैंने, 3 2 6, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब मेरी जो ए पी होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होती है, A1 A2 A3 A4 कंटिन्यू नंबर चलते जाते हैं मेरे, ठीक। तो शुरुआत का नंबर मेरा कौन है, 3। अगर मेरा डी पॉजिटिव का है तो मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। अगर पॉजिटिव का तो मतलब दो दो नंबर बढ़ रहे हैं, अगर नेगेटिव का तो दो दो नंबर घट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव का तो दो दो नंबर बढ़ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो मेरी ए पी हो जाएगी 3 5 7 9, और ये कंटिन्यू इसी तरीके से पैटर्न में बढ़ती रहेगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।